हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे 2 दिन से काफ़ी फीवर हो रहा था और मेरी ना खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसके वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि ना फिर बीच में वो अजीब सा हो जाता है थोड़ा, वीडियो के बीच में खांसी आती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। और वैसे भी कल तीज थी, तो मुझे लगा कि सब लोग तीज में बिजी होंगे। कल थी कि परसों थी, ऐसे कुछ था, तो मुझे लगा कि आप लोग बिजी हो गए, तो मैंने इसलिए भी वीडियो नहीं डाला। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी को हैप्पी तीज बिलेटेड, क्योंकि तीज तो अभी चली गई है, लेकिन मुझे विश्वास है पूरा कि आप सभी ने बहुत अच्छे से तीज की होगी, क्योंकि हमारे में तो तीज होती नहीं है। हमारे में करवा चौथ होता है, पंजाबी है हम लोग। तो जब करवा चौथ आएगा तो हम लोग भी उसी तरीके से व्रत रखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे सब कुछ। बाकी आप लोगों का सब कुछ कैसा हुआ, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कितने लोगों ने व्रत रखा था, कैसे कैसे क्या क्या किया, तो प्लीज़ बताना ज़रूर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी आते हैं साइक्लोन मैडम के ऊपर। तो साइक्लोन मैडम को सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, इन्होंने जिस समय मैंने लाइव किया था, जिस दिन इसने बर्तन बर्तन फोड़े थे अपने सिर पे, उस टाइम पे मैंने आधे घंटे के अंदर ये ऑलमोस्ट लाइव किया था इसके लाइव के, उस टाइम पे मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा समझाया था। देखिए, समझाना मेरा समझाना देखो ऐसा है कि मैं जिस इंसान को समझा भी रही होती हूँ ना, जब मैं उसको 50 बार चीज़ें समझा चुकी होती हूँ, वो नहीं समझता, तो मेरा समझाने में कहीं ना कहीं गुस्सा निकलता है। क्योंकि भाई, एक इंसान आपको पहले ही वॉर्न कर रहा है, आप नहीं समझ रहे हो उस चीज़ को, उसके बाद भी आप रेगुलर वो चीज़ें कर रहे हो, और जब आपको जूते पड़ने शुरू हो गए तब आप अपने आके रोना पिटना बर्तन बजाना शुरू कर दिया। तो मेरा जो फर्स्ट्रेशन था वो निकल गया उस लाइव में, और कहीं ना कहीं जायज़ ही निकला है। लेकिन उसे लाइव के दौरान एक कमेंट आया था मेरे पास, जिन्होंने ये बोला था कि साइक्लोन बोल रही है कि तुम्हें भी वो देख लेगी। तो वो कमेंट मैंने तो उतना गौर भी नहीं किया उस कमेंट पे, लेकिन फिर उस लाइव के बीच में ही बताया गया था। तो अभी भी फिलहाल में मेरी तबीयत थोड़ी सी, गला मेरा अभी भी डाउन है, क्योंकि बीच बीच में ना थोड़ा लंबा बोल जाने पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी ऊपर नीचे हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिन रहेगा, 2 दिन बाद शायद ठीक हो जाए। तो मैं कह रही थी कि जैसा लाइव में बताया था इन लोगों ने, कमेंट सेक्शन में ही किसी ने बताया था, और मुझे नहीं पता कि किसने बोला किसने नहीं बोला, लेकिन बाद में वो लाइव किसी ने देखा भी होगा मेरा। तो लाइव में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो है वो बाद में लाइव देखते हैं, मतलब स्पीड वगैरह बढ़ाकर, तो उन लोगों ने देखा होगा, फिर बाद में उन्होंने इनके वीडियो पर जाके वो कमेंट ढूंढा होगा। तो कमेंट एक स्क्रीनशॉट मिला है जो कि मेरे पास आया इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बोला कि देखो आप तो संपत्ति फिर भी दे रही हो, मतलब मुझे बोला उन मैडम ने कि आप देखो अभी भी संपत्ति दे रही हो, और ये आपके लिए क्या बोल रही है कि आपको भी देख लेगी। तो मैंने लाइव में भी बोली थी ये बात कि जो उखाड़ना हो मेरा उखाड़ ले, खुली छूट दे रही हूँ, और मेरे वीडियोस बिल्कुल प्रॉपर पड़े हैं। मैंने कोई एक वीडियो भी ऐसा नहीं है कि जो हाइड किया हो, कोई छुपा लिया हो, कोई कुछ कर लिया हो, कुछ भी रत्ती भर छुपा नहीं है। मेरा जो उखाड़ सकता जो भी उखाड़ लो जाके, ठीक है, मैंने इतना बोल दिया था, और अभी भी बोलती हूँ ये बात साइक्लोन को मैं। पहली चीज़ कि साइक्लोन ने ये बात बोली, उसके बाद मुझे लगता है कि वो डिलीट कर दी है ना। तो इसने नीचे लिखा था कि देख लूँगी उसको भी, इसने ये लाइन लिखी थी। तो मैं इसको कहूँगी कि क्या देखोगी तुम मुझे क्या देखोगी, तुम खुद इतनी फटे में फंसी पड़ी हो, तुम पुलिस स्टेशन गई FIR लिखाने, तुम्हारी पुलिस वालों ने भी कोई हेल्प नहीं की। क्यों नहीं की, कोई रीज़न पता है तुम्हें इस चीज़ का? मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट के अंदर इस FIR को, इस कंप्लेन को दर्ज करा सकती हूँ, बिना इसमें घुसे हुए भी चाहूँ तो, ठीक है, लेकिन मैं कराऊँगी नहीं। क्यों कराऊँ मैं, क्यों पचड़े में तुम्हारे फंसूँ? तुम ऐसी इंसान हो कि तुम्हारा भला चाहो तब भी तुम लोगों को बुरा ही बोलती हो। तो जो तुम बोल रही थी ना कि तुम मुझे देख लोगी, तुम मुझे देखने से अच्छा जो तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें बदनाम करके चलेगा ना, पहले तुम उनसे निपटो, मुझसे बाद में निपटना, ठीक है। और जिस दिन तुम हरकतें बंद कर दोगे उस दिन मेरा रिएक्शन बंद हो जाएगा, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। मैं पूरा प्रॉपर बोलती हूँ इस बात को गारंटी के साथ कि जिस दिन तुम्हारी हरकतें सुधर जाएंगी, तुम गंदी हरकतें नहीं करोगी, उस दिन रिएक्शन देना बंद कर दूंगी। क्लियर बोल रही हूँ इस बात को। लेकिन जिस दिन तक तुम बंद नहीं करोगे उस दिन तक रिएक्शन मेरा आएगा, प्रॉपर आएगा। बस बस मेरा गला खराब नहीं होना चाहिए, बाकी मेरा रिएक्शन ताबड़तोड़ आएगा जैसे आता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूँगी कि मैं तुमसे नफरत बिल्कुल भी नहीं करती, सच बताऊँ तो, दिल से बोल रही हूँ इस बात को, सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। लेकिन जो तुम बच्चे के साथ इस समय करती हो ना, जो भी हरकतें बच्चे के साथ उस घर में होती हैं, या जो हरकतें तुम
सोशल मीडिया पे दिखाती हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करती हो, उन सब चीज़ों से मुझे नफरत है। और जब तक वो नहीं सुधारोगी तब तक मैं रिएक्शन दूंगी। जहां मुझे तुम गलत नज़र आओगी, जहां तुम गलत चीज़ें दिखाओगी, गलत चीज़ें लोगों को बताओगी, वहां मैं बोलूंगी। अगर तुम्हें दिक्कत है, अगर तुम्हें सच में दिक्कत है, तो तुम अपनी चीज़ों को सुधार लो। मैं तुम्हें रत्ती भर रिएक्शन नहीं दूंगी, सच बता रही हूँ। मैं अपना चैनल कहीं और डाइवर्ट कर दूंगी, कहीं और कुछ कर दूंगी। यहाँ तक कि मैं रिएक्शन छोड़ो, मैं लोगों दूसरों पर भी रिएक्शन इस चैनल पर नहीं दूंगी। मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी, मैं कुछ भी कंटेंट डालना शुरू कर दूंगी, मैं ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज डालूंगी, मैं मीशो हॉल शेयर कर दूंगी। बताओ, तुम लेती हो उस चीज़ की गारंटी? तुम लाओगी ढंग का कंटेंट? अगर तुम लाने वाली हो तो तुम बोलो एक बार, तुम्हें एक बार बोलो सिर्फ कि हाँ तुम अच्छा कंटेंट दोगी, कोई गंदी चीज़ नहीं दिखाओगी, कोई बच्चे को टॉर्चर नहीं करोगी, बच्चे को दुखी नहीं करोगी, बच्चे के साथ गलत नहीं करोगी, प्रॉपर बच्चे को जिस तरीके से दुनिया अपने बच्चों को केयर करती है वैसे ही तुम भी कोशिश करोगी कि तुम पूरा केयर करो, ठीक है? तो जिस दिन तुम ये सब करना स्टार्ट कर दोगी उसी दिन मेरा चैनल चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैं सच बताऊं तो मैं आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे साथ वीडियोस मेरे देख रहे हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, गारंटी के साथ इस बात को बोल रही हूँ। मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं रिएक्शन वीडियोस में इतनी ज़्यादा घुस जाऊँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे मेरा नाम बनाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि मुझे मेरा नाम बनाना है, मुझे पैसों से उतना लालच नहीं है, लेकिन मुझे मेरा दिव्या खन्ना जो है ना उसको एकदम वायरल कर देना है। तो वायरल, मुझे पता है रिएक्शन में वायरल कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, चाहे मैं कितने भी वीडियोस बना लूँ, एक दिन में 10 वीडियो भी अपलोड कर दूँ तब भी नहीं होगा, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी अब जो चीज़ें खोल ली है मैंने, तो उसको तो मैंने को चलाना पड़ेगा, जैसे धक्का लगाऊँ चाहे कुछ भी करूँ, ठीक है? लेकिन फिलहाल में मैं अभी और भी कंटेंट कुछ सोच रही हूँ, और मेरा हो सकता है कि उन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ चल जाए और मेरा लक काम आ जाए। लक काम आ गया तो उसी दिन मैं रिएक्शन या तो छोड़ दूंगी, या तो कम कर दूंगी, या तो देखूंगी क्या करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ इस चीज़ों में नहीं रहना है। मेरे पास काफ़ी सारे ऑफ़र ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मेरे छोटे छोटे चैनल्स हैं उसमें क्या ऑफ़र आएगा, तो मैं ये बता सकती हूँ सिर्फ कि हाँ, मुझे जो ऑफ़र आए हैं वो बहुत बड़े लेवल के हैं। मुझे क्रिएटर जो होते हैं, यूट्यूब क्रिएटर के जो इवेंट्स होते हैं, मुझे वहाँ तक बुलाया गया है, इनविटेशन दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि मैं सिर्फ इस चार दीवारों के बीच में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ। तो मैं इसको सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने पे काम करेगी ना जिस दिन, उस दिन तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? आज भी बोलती हूँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलते आई हूँ, मैं कोलैबोरेशन करती हूँ, मैं यूट्यूब से ज़्यादा कोलैब में कमाती हूँ, मैं आज भी बोलती हूँ ये बात, ठीक है? पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मुझे इवेंट में भी अभी फर्स्ट टाइम आया है ऐसा कुछ कि मेरे को किसी इवेंट में इन्विटेशन मिला है, और अगर मैं जाऊँगी तो डेफिनेटली वीडियो तो बनाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं उन चैनल्स के बारे में अपने नहीं बताती हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ, और ना मैं बताना चाहती हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मुझे रिएक्शन कम्युनिटी कहीं ना कहीं एक बार को ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं वापस काम करने लगती हूँ। क्योंकि मेन दिक्कत क्या है यहाँ पर, मेरा स्टार्टिंग मेरा यहाँ से हुआ है, और जब भी मैं कुछ गलत देखती हूँ, कुछ गलत चीज़ों को देखती हूँ, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, और मेरे पास मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं बोल सकती हूँ, तो मैं आके डेफिनेटली जो मेरे मन में होता है मैं बोल डालती हूँ। सामने वाला चाहे उसको सही समझे, गलत समझे, उल्टा समझे, सीधा समझे, जो समझना है समझे, लेकिन मेरे मन में जो बातें होती हैं मैं क्लियर शेयर कर देती हूँ। तो बस मैं इतना कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग समझो इस बात को, और मैं इसको भी कहूँगी कि जो मेरा उखाड़ सकते हो उखाड़ ले, यहीं बैठी हूँ इसी चैनल पे, जो करना हो तुम्हें करो, देख लूँगी नहीं तुम देख लो, अगर चाहो तो बोलना, मैं फेस के साथ भी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे फेस दिखाने में भी, ठीक है? तुम उखाड़ सको तो उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ोगे, ठीक है? और रही बात रिएक्शन की, तो जिस दिन तुम अच्छा कंटेंट दोगी मैं रिएक्शन बंद कर दूँगी, क्लियर कट बात कर रही हूँ, आज भी बोलती हूँ, मैं इस चैनल की कैटेगरी ही चेंज कर दूँगी, तुम इतना बताओ तुम कब अच्छा कंटेंट दे रही हो, बात ख़त्म, ठीक है? तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ, मैं इसका सिर्फ जवाब देने आई थी इस वीडियो में। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, और इस मंथ में काफ़ी सारे अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, और होंगी तो देखूंगी, शेयर करने का मन होगा तो करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी, जो भी होगा देखते हैं। बाकी इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग जुड़े रहिएगा, जो भी जैसा भी होगा मैं आप सबको शेयर करूँगी, और मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। अगला वीडियो प्रॉपर रिएक्शन वीडियोज़ आएंगे,
और काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे थे कि मैं इसको संपत्ति दे रही हूँ, मैं इसको संपत्ति नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ बच्चे के लिए परेशान हूँ। वो बच्चा बेचारा बाहर इतना मम्मा मम्मा खोलो खोलो कर रहा है और ये अंदर बर्तन फोड़ रही है। ये तो जो मर्जी फोड़े मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बच्चे के आवाज़ सुन के थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ मुझे, तो मेरा जो रिएक्शन निकला। बाकी उस बच्चे के लिए मेरे मन में बहुत सी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं ये नहीं समझती है हमारी फीलिंग्स को, तो बात अलग है। पर उस बच्चे से हमारा कोई भी इस तरीके का नहीं है कि हम उससे नफरत करते हैं, उसे गंदा समझते हैं या कुछ। मैं उसको सच में भगवान का रूप मानती हूँ, हर बच्चा भगवान का रूप होता है, ठीक है। तो मेरा उस बच्चे के साथ सिर्फ इतना कनेक्शन है कि वो एक बच्चा है और मुझे उस बच्चे के लिए थोड़ा सा एक केयर मान लो, या एक अट्रैक्शन मान लो, या एक होता है ना इंसान को बच्चा देख के थोड़ा सा अजीब सा फील हो जाता है अगर इस हालात में बच्चा दिखता है तो बस वही संपत्ति आई थी और इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।